बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एमडी पंजाब के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर। मौलाना तारक जमील साहब के बेटे की, आसम जमील साहब की, अल्लाह ताला मगफरत फरमाए। तो ये उनकी फैक्ट्री है सामने, तो मलंग का एक का जिक्र किया था जिससे वो बहुत मोहब्बत करते हैं, तो अक्सर उसको अपनी गाड़ियों में, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया कि बिठा कर ले आते, उसे नहलाना, कपड़े पहनाना, उसकी खत वगैरह करवाना। तो आज हमने देखा है खुद अपनी आंखों से कि रोड के ऊपर से गाड़ियां जब गुजरती, क्योंकि आसम भाई के पास वीगो डाला था, वीगो डालों में डाले में मौलाना साहब के घर के पास ये अक्सर मलंग बैठा रहता था, तो वहाँ से डाले के पीछे इसे बिठा कर अपनी फैक्ट्री के अंदर ले आता था। ये सामने फैक्ट्री आपको नज़र आ रही है, तो फैक्ट्री के अंदर ला कर वो उसको नहलाते, खिलाते, पिलाते, उसको शेव करवाते, खत वगैरह करवाते, अच्छी तरह उसे साफ़ सुथरा करते, खाना वगैरह खिलाते। तो आज हमने देखा है कि मौलाना साहब के पास एक आदमी दुआ के लिए आते हैं, यानी उनके से तजियत के लिए, तो उनके पास वीगो डाला है, उस वीगो डालों के पीछे भाग कर ये जो मलंग है आज यहाँ पर फैक्ट्री में मियाँ मियाँ करता पहुँच गया है। ये आप देख सकते हैं कि इधर वो फिर रहा है, वो सामने, और ढूंढ रहा है कि मियाँ कहाँ है। लेकिन अल्लाह ताला इसे भी सब्र दे, लेकिन अल्लाह ताला जो है, जब इनके रिश्तेदारों में, जैसे आपने वीडियो में पहली में मेरी में देखा, उनसे बात की, तो उनका कहना था कि इनके जो सिर्फ़ और सिर्फ एक भाई जो है ना वो ठीक है, बाकी तकरीबन बहनें भी भाई भी जो हैं अब नॉर्मल हैं। जिनका जो टोटल ख़र्चा है वो मौलाना साहब खुद उठा रहे हैं, उनके घर का राशन, उनके घर की जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर रहे हैं। जो सही भाई हैं उनसे भी आज इंटरव्यू करेंगे, पूछेंगे कि अगर आप में से बहुत से दोस्त पूछते हैं कि हमने उनसे रابطہ करना है, हमने उनकी मदद करनी, हम भी मदद करना चाहते हैं, तो उनका नंबर भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये फैक्ट्री है वीगो डाले के पीछे भाग कर, क्योंकि आसम भाई का भी उसी तरह का डाला था, भाग कर पीछे मियाँ मियाँ करता ये पहुंचा हुआ है, ये बैठा हुआ है जी। वो तो ये देखें जी, ये भाई पूछ रहे हैं कि मियाँ कहाँ गया, तो वो कहता है जी मियाँ लाहौर गया हुआ है, मियाँ मेरा आ जाएगा और बहुत जल्द आएगा। तो ये फैक्ट्री में आज मियाँ को खुद ढूंढने आ गया डाले के पीछे, कि आज मियाँ ने मुझे डाले में क्यों नहीं बिठाया, हालांकि वो डाला किसी और का था, वो वैसे ही मौलाना साहब के साथ तजियत के लिए आए थे। तो बाकी आप सब भाइयों से भी गुजारिश है कि मौलाना साहब के साहबजादे जमील, आसिम जमील साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बाकी इनके, इसके पास तो मोबाइल नहीं होगा, इसका जो भाई सही है उसके पास मोबाइल है, हम उनका नंबर भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।